नमस्कार दोस्तों दोस्तों उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार जो कि पास ही आ गया है, लेकिन मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या वह 14 जनवरी को है कि क्या 15 जनवरी को है। आज के इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। संक्रांति का महत्व और पूजा विधि क्या होती है, उत्तरायण क्या होता है, संक्रांति जो देवी है वह कौन से वाहन पे आई है और साथ ही सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों इस बार मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति तो 12 होती है, 12 महीने की 12 संक्रांति होती, तो मकर संक्रांति क्यों खास होती है? दोस्तों मकर संक्रांति से क्या होता है कि हमारे भगवान सूर्य देवता जो है उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि दो अयन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन एक होता है उत्तरायण। तो उत्तरायण मतलब जब सूर्य उत्तर की ओर झुक जाता है उसे कहते हैं उत्तरायण, और मकर संक्रांति से ही उत्तरायण शुरू हो जाता है जो कि 6 महीना रहता है, फिर 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है, पक्की डेट है, सही डेट है 14 जनवरी को, और माँ जो संक्रांति है वह आई है बाघ की सवारी में, यानी कि बाघ की सवारी लेकर के आई है, दक्षिण दिशा की ओर से आ रही है और साथ ही पीले कपड़े पहन करके आई है जो कि एक शुभ संकेत है। जी हाँ, जो कि एक शुभ संकेत है। अब करना क्या है मकर संक्रांति में, वैसे स्नान का विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है। इस दिन यदि हो सके तो गंगा जी में डुबकी लगाइए, किसी तीर्थ स्थल में जाकर आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन अब कोविड काल है तो यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो घर में ही नहाने के जल में ही आप गंगा जल डाल देना है, तिल्ली डाल देना है, थोड़ी हल्दी डाल देना है, यह सब चीज़ें डाल के आपको स्नान कर लेना है और भगवान सूर्य को एक तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके, तिल्ली डाल करके, गुलाब की पंगुड़ी डाल करके आपको सूर्य देव का अर्घ देना है। जो व्यक्ति ऐसा घर में करता है, इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ देता है मकर संक्रांति के दिन, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दोस्तों आप भी ऐसा करिए और हो सके तो दोस्तों भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का भी पाठ आप कर सकते हैं, और साथ ही मकर संक्रांति में दान का विशेष महत्व है तो हो सके तो किसी गरीबों को आप दान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलिए। जय माता दी दोस्तों।